हेलो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का 3D फोटो एडिटिंग पिक्सआर्ट की मदद से कैसे करें। चलिए गाइस, हम पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद यहां से अपना फ़ोटो आपको ऐड कर लेना होगा, जिस फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हैं। यहाँ से फ़ोटो ऐड करने के बाद फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, फिर यहाँ से ड्रा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। इसमें जाने के बाद इस लेयर का कलर पहले हम वाइट कर लेते हैं। इसको वाइट करने के बाद फिर अपना फ़ोटो ऊपर कर लेते हैं। फ़ोटो को ऊपर करने के बाद यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपको अपने फ़ोटो का साइज़ थोड़ा इसी तरीके से छोटा कर लेना होगा। फ़ोटो का साइज़ छोटा करके फिर यहाँ से टिक कर देंगे। इतना करने के बाद फिर यहाँ से एक इनपुटी लेयर लेंगे, इसका भी कलर हम कर देते हैं ब्लैक। इस लेयर का इसका कलर ब्लैक करने के बाद फिर हम इस ब्लैक वाली लेयर को अपने फ़ोटो के नीचे कर देते हैं। फ़ोटो को नीचे करने के बाद फिर यहाँ से फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे जो दिख रहा है NOR, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ओपेसिटी हम 70 के लगभग कर देते हैं। फिर उसके बाद इतना करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद फिर यहाँ से इसको टिक करेंगे। यहाँ से फिर उसके बाद आ जाना है आपको इफ़ेक्ट्स वाले ऑप्शन में। इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे ब्लर वाले ऑप्शन में। ब्लर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इस फ़ोटो को ब्लर कर देंगे। ब्लर करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ब्लर वाला। इसको 30 तक करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिर से आपको जाना है ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद फिर से यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से फ़ोटो ऐड कर लेंगे अपना। इस फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ा लेना होगा। इसको साइज़ बढ़ाने के बाद देख सकते हैं हमारा फ़ोटो एडिटिंग हो चुका है। इसको इतना होने के बाद पहले इस फ़ोटो को हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ से क्रॉप पर क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद हम इंस्टाग्राम साइज़ का कर लेते हैं। इंस्टाग्राम साइज़ का करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा इसे जूम कर लेंगे ताकि हमारा इंस्टाग्राम पे पूरा दिखे। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे।